सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को जो ये बॉडी मिला है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा गैजेट है ये। और इसमें एक रिसर्च बताया उन्होंने अमेरिका में, कि अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था कि अगर हम लोग डेड बॉडी बनाए जस्ट सेम एज जैसा हमारा बॉडी है, उसमें सारे ऑर्गन्स हों, सारे चीजें हों, लेकिन डेड बॉडी, क्योंकि लाइव बॉडी तो बना ही नहीं सकता कोई, वो तो भगवान ही बनाते हैं, तो डेड बॉडी की कीमत लगाई गई तो $5 ट्रिलियन था। अभी आप लोगों को बता दूं, ट्रिलियन कितने लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। 1 ट्रिलियन में ना 12 जीरो होता है, 12, पेपर पे लिख के देखना, 12 जीरो 1 ट्रिलियन में, और वो भी डॉलर की बात कर रहे हैं, उसमें फिर 80 से 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। अगर इंडियन करेंसी में निकालना चाहे ना, तो हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप देखो कैलकुलेट करके मोबाइल पे। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 लाख करोड़ डॉलर इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन होता है, मतलब 5 लाख करोड़ की हमारी बॉडी है, 5 लाख करोड़, क्योंकि 12 जीरो है, और वो भी डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो आपका एक एक मिनट करोड़ों का है जो आपकी बॉडी खर्च हो रही है, क्योंकि एक दिन तो ये खत्म हो जाएगी ना बॉडी, तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की बात उन्होंने कही है, कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और इसको मैक्सिमम यूज करने के लिए हमें इसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैनुअल हमको जानना चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं है फूड कैसा लेना चाहिए, पानी कैसा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को, वो पता ही नहीं है। तो ये दूसरी बात कही है उन्होंने। तो ये बॉडी प्राइसलेस है, ठीक है ना, कैंगन वाटर के अलावा कुछ हम बॉडी में डाल रहे हैं तो जानकारी के बाद तो हम खतरे में। दूसरी एक बात जो इन्होंने, हम लोग बार बार गोल सेटिंग बोलते हैं, इन्होंने बड़े इफेक्टिव वे में हम लोगों को बताया है कि अगर आप लाइफ से क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वो अगर नहीं लिखेंगे तो आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने लिखने को बोला है, और आप में से कई लोग यहाँ पे इस बात उनके कहने से समझ में आया होगा कि अगर आप लिखते हैं और उसको अपने आसपास कहीं रखते हैं, तो उससे आपके बार बार वो रिपीट होगा आपकी आंखों के सामने, क्योंकि कई बार थॉट्स आते हैं कि मुझे इतना अच्छा घर बनाना, फिर भूल जाते हैं, बेटी की शादी ऐसा करना है, भूल जाते हैं, इतना बैंक बैलेंस करना है ताकि हम अच्छे से रिटायर हो सके, फिर भूल जाते हैं। तो अपने सारे गोल्स को लिखना, वो लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी, अच्छा लिखने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप उसकी तैयारी करते हो लिखने के बाद कि मुझे कैसे इसको प्राप्त करना है, उसका रोड मैप बनाते हो, स्ट्रेटजी डिसाइड करते हो, तो वो गोल्स जो है ना वो आपका जीवन बन जाते हैं, यही जीवन है। वरना सुबह उठ के रोज शाम तक जो हम लोग डेली रिचुअल्स कर रहे हैं या डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, वो लाइफ नहीं। उन्होंने सचिन को बहुत एडमायर करते हैं, और क्या स्वामी ज्ञानवत्सल जी क्रिकेट के बहुत अच्छे फैन रहे हैं, क्रिकेट के, तो वो क्रिकेट का एग्जाम्पल जरूर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर जब 20 साल अपना क्रॉस कर चुके थे और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन चुके थे, तब उनसे पूछा गया था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं डेली सुबह उठ के 6 बजे नेट प्रैक्टिस पे पहुंच जाता हूँ। तो पत्रकार ने पूछा कि लास्ट डे अगर आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारा तो भी, बोला हाँ तो भी। तो वही उन्होंने बताया है कि अफ्रीका के जंगल में, और ऐसा हर जंगल में होता है, कि जो हिरण होता है ना उसको तेज दौड़ना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, एक शेर को भी तेज दौड़ना पड़ता है ताकि वो भूखा ना मर जाए। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि स्लोवेस्ट डियर, मतलब जो सबसे धीरे दौड़ने वाला हिरण है, उसको भी सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है। इसको ध्यान से समझिएगा, मान लो कोई सबसे कमजोर हिरन है और कोई सबसे मजबूत शेर है,
अगर वो उसके पीछे पड़ गया तो सबसे कमजोर हिरण को भी सबसे तेज शेर से ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ता। और शेर के बारे में बताया कि कोई शेर जो जंगल का सबसे कम दौड़ने वाला कमजोर शेर है उसको भी सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है ताकि भूखा न मर जाए। तो जैसे ही सुबह होती है ना तो हर किसी को चलना पड़ता है, उसी के ऊपर हम लोग जो गाना सुनाते हैं ना, तुझको चलना होगा तो चलना ही होगा, रोज चलना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज जो टेक अवेज लिए इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं हमारी लाइफ के लिए। सारे आपने सारे पॉइंट वैसे कवर कर दिए हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज और उन्होंने बोली है कि जब हम दृढ़ विचार बनाते हैं तो प्रोग्रेस होती है, और प्रोग्रेस होती है तो ही सक्सेस मिलती है। दूसरी चीज, दृढ़ विश्वास के साथ साथ हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कैंगन में ये इंक्लूड है, जहाँ पुरुषार्थ यानी कि लोगों का मतलब हमारे सामने विचार जब उनकी जुड़ जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ओनली दृढ़ संकल्प ही लेना पड़ता है, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जब कठिन परिश्रम होगा तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है, हमें डेमोस्ट्रेशन 2, 5, 10 करने हैं तो करने ही पड़ेंगे, उसका कोई विकल्प नहीं है, बस संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने पूरा जीवन का रहस्य इस 10 मिनट में बता दिया है, यदि कोई समझे तो। से काफी बार मैं उनको पर्सनली मिल चुका हूँ, और मतलब वो ऑलवेज एक ही चीज को बहुत रेकमेंड करते हैं, जो अभी जो बताया वीडियो में, कि आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, आपको भागना पड़ेगा या आप ही लेटे रहे। अगर लेटे रहेंगे तो जल्दी से आप मौत की तरफ जा रहे हैं, है ना, और भागेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, तो भागना तो पड़ेगा पहली बात।